वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब से बड़ी खबर है, देश में ना सेक्युलरिज्म है ना सोशलिज्म है। प्रकाश सिंह बादल का कहना है देश में ना लोकतंत्र है और ना ही धर्मनिरपेक्षता। बादल का बयान सामने आया है, देश में प्रजातंत्र भी नहीं बचा है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते नजर आए प्रकाश सिंह बादल। बदकिस्मती है, अमन शांति भाईचारा जरूरी माइक जो विधान च लिखे तीन चीजा लिखिया सैकुलरिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी। इतने ना सैकुलरिज्म है ना सोशलिज्म है, अमीर अमीर हों जा रहा, गरीब गरीब होता जाता रहा। तो डेमोक्रेसी दो लैवल से तो है, एक पार्लीमेंट इलेक्शन स्टेट में, बाकी जिन्हें अफसोस है बड़ा दुख है। सबको मिलकर हर चीज का हल करना चाहिए। और मेरा अपना ये रहा है कि अपोजिशन को जब इलेक्शन हो जाए तो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी को आपस में मिलकर करना चाहिए। तो प्रकाश सिंह बादल को आप साफ तौर पर सुनते हुए नजर आ रहे थे, वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि देश में ना ही सेक्युलरिज्म बचा है और ना ही सोशलिज्म, और लोकतंत्र का तो कहना ही क्या, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, देश में प्रजातंत्र भी नहीं बचा। प्रकाश सिंह बादल साफ तौर पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं, गुस्से में काफी निराशाजनक बात करते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में विरसा सिंह बलटोहा जुड़ चुके हैं, अकाली नेता हैं आप। विरसा सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। प्रकाश सिंह बादल काफी जो है आक्रोशित नजर आ रहे हैं और उनका गुस्सा फूटा है। जहां तक सब प्रकाश सिंह बादल का जो उनका जीवन रहा है, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है भाईचारा के साथ को दी है, धर्मनिरपेक्षता को दी है जी। और जब देश में जैसा माहौल बन रहा है, जैसा दिल्ली में हो रहा है, जब पूरे देश में हो रहा है, तनाव बन रहा है जी। और जो कम्युनलिज्म जो नजर आ रहा है जी, कहीं धर्मनिरपेक्षता नजर नहीं आ रही। और मतलब लोकतंत्र की बात तो किधर रहेगी, प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र की तो कहीं नजर नहीं आ रहा। ऐसा महसूस हो रहा है, एक डर सा का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, जो कि देश के लिए खतरा है जी। और यही देश है जहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, ईसाई है, बौद्धी है, जैनी है, पारसी है। बिल्कुल, यही हमारी खुशबू थी, यही संविधान की हमारी खुशबू थी जी। तो अब जैसे जो माइनॉरिटीज है, गड़ गिनती के लोग हैं, उनके साथ जैसा बर्ताव पूरे देश में होना शुरू हो गया है, जैसे दिल्ली लेकिन हुआ लेकिन नजर आ रहा लेकिन है। विरसा जी, जो प्रकाश सिंह बादल हैं, इनके बयान को किस दिशा की तरफ समझा जाए, दिल्ली में जो चल रहा है उस दिशा में समझा जाए, या फिर अकाली दल ने पूरे मनप्रीत सिंह बादल का विरोध किया बजट सत्र से पहले और लगातार विरोध होता रहा, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, दोनों में से किस दिशा की तरफ इसका इशारे को समझा जाए? नहीं, ये तो जो देखो प्रकाश सिंह बादल का जो बयान है, ये तो बयान उनका जो देश में माहौल बन रहा है, ये केवल उनकी आवाज नहीं है जी। ये देश के हर उस व्यक्ति की आवाज है जी, जो देश को प्यार करता है जी, जो देश के संविधान को प्यार करता है, जो देश की डेमोक्रेसी को प्यार करता है, ये उन सभी की आवाज है। और आप भी महसूस करते होंगे विरसा जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ में हरपाल सिंह चीमा जुड़ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं आप। हरपाल जी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। प्रकाश सिंह बादल, हरपाल जी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा है साफ तौर पर, उनका बयान सामने आया, हमने जनता को भी सुनाया है, वो कहते नजर आ रहे हैं कि ना देश में सेक्युलरिज्म बचा है और ना ही सोशलिज्म बचा है, आपका क्या कहना है? जी उनका बयान सामने आया, आपकी आपने मेरे को ये कहा तुमने ये बयान दिया है, जो लोकतंत्र नहीं बचा, या उनका मानना है कि देश में सेकुलर नहीं बचा, तो वकील वो किस पार्टी की सरकार में बैठे हैं, किस कोलिशन पार्टी की सरकार में बैठे हैं, जिस सरकार पे ये दोष लग रहा है, देश के लोग बोल रहे हैं कि उन्हें गुजरात मॉडल जो है वो पेश कर रहे हैं देश में, जैसे गुजरात में दंगों का दंगे हुए थे वैसा ही मॉडल वो देश की राजधानी में पेश कर रहे हैं जी, और जी। वो है,
वो हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके लिए बीजेपी और आरएसएस खतरा बनी हुई है, फिर वो क्यों सरकार में बैठे हैं? बिल्कुल, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार से क्यों नहीं रिजाइन करते? उनकी डॉटर इन लॉ हरसिमरत कौर है, वो देश की मोदी साहब की कैबिनेट में मिनिस्टर है, उनको क्यों नहीं छोड़ते? मतलब आप कहना चाह रहे हैं हरपाल जी, आप कहना चाह रहे हैं कि दोहरा चेहरा अपनाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, डबल स्टैंडर्ड है जो शुरू से रहा है। प्रकाश सिंह बादल बहुत सीजन पॉलिटिशियन, बड़े उनका लंबा तजर्बा है, पर लेकिन उनको ये पर लेकिन उन पार्लियामेंट में कुछ और, देश की जब कोई विधानसभा है उसमें कुछ और। देखिए देश की जब पार्लियामेंट में सीए पे कानून पास हो रहा था तो उनकी पार्टी ने वहां सीए का समर्थन किया, वहां उनके पांच मेंबर थे, तीन राज्यसभा के और दो लोकसभा के, पांचों ने जो उस सीए के हक में वोट पाई, पर लेकिन जब पंजाब में आए तो सीए का विरोध करना शुरू कर दिया। सो ऐसा डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल देश के सामने एक तस्वीर होनी चाहिए और उस तस्वीर के साथ ही मैं समझता हूँ आगे बढ़ना, बिल्कुल उसी तस्वीर के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ये कहीं ना कहीं समझने वाली बात है। विरसा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हरपाल सिंह चीमा साफ तौर पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, उनका कहना साफ तौर पर है कि अकाली कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड पर काम करती है। देखिए दिल्ली में किसका राज है जी, दिल्ली में किसकी सरकार है जी? तीन दिन तो कहीं मिस्टर केजरीवाल नजर नहीं आए जी। जब हाईकोर्ट की तरफ से डांट पड़ी तो तब थोड़ा बहुत करने की कोशिश की है, लेकिन 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 विरसा जी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करेंगे क्या भाई? लॉ एंड ऑर्डर तो उनके अंडर में आता ही नहीं है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं आता, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके पास टेम्पक मेजोरिटी आई है, लोगों में जाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लोगों में आप कहीं नजर आए? आप चक्र राजघाट में बैठ गए हैं मौन धारण करके, तो इससे इससे दिल्ली में शांति हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग भी कहीं ना कहीं हर दल को अपना एक जो है तस्वीर क्लियर करनी पड़ेगी कि आखिरकार वो किस तस्वीर को फॉलो करते हुए आगे चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विरसा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हरपाल सिंह चीमा हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।